एवरीवन, वेलकम टू संसार ग्रीन। स्वागतम। तपती गर्मी बस थोड़े दिन और, जुलाई में बारिश शुरू हो जाएगी। उससे पहले जून में आपको कौन से फूलों का पौधा लगा लेना है, आइए हम बता देते हैं। पर जरा सा रुकिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते चले ताकि अगली वीडियो की जानकारी भी मिल सके। रेन लिली। रेन लिली का बोटैनिकल नाम ज़िफ्रेंथस है। फूलों का रंग आमतौर पर पीला, गुलाबी या सफेद होता है। यह फूल बड़े नाजुक होते हैं पर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। अगर मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हुई तो 5 सेंटीमीटर रेडियस के भी फूल खिल सकते हैं। एक पौधे में एक ही फूल आता है और फूल एक दिन ही रहता है, पर ढेरों फूल इनमें लगातार कई दिनों तक खिलते रहते हैं। फिजा खूबसूरत हो जाती है। हल्के काले बीजों से या फिर लहसुन जैसी कंद से इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है। पौधे आसानी से लगते हैं और बड़ी ही तेजी से ग्रो करते हैं। इन्हें रेगुलर वाटरिंग जरूरी है। धतुरा या थॉर्न एप्पल। यह बहुत बड़े आकार के फूल होते हैं और फूलों के कई रंग आपको मिल जाएंगे, जैसे सफ़ेद, पीला, नारंगी, बैंगनी। ये इजी ग्रोइंग और लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। फूल सिंगल लेयर्ड और डबल लेयर्ड भी होते हैं। अभी आप इन्हें लगा लेंगे तो सावन आने से पहले इनमें फूल खिलने लगेंगे। इन्हें काले बीजों से बड़ी आसानी से उगाया जाता है। लहसुन बेल या फॉल्स गार्लिक। इनका बोटैनिकल नेम मानसोवा अलीसिया है। फूल हल्के बैंगनी या नीले गुलाबी रंग के होते हैं। इन्हें अजोस सोचा भी कहते हैं और लहसुन या गार्लिक जैसी गंध के कारण इन्हें लहसुन बेल कहा जाता है। यह फूल ढेरों गुच्छे में खिलते हैं और बड़े शानदार दिखते हैं। आप इन्हें गमले में भी लगा सकते हैं। वैसे अगर सपोर्ट देखकर बालकनी या खिड़कियों पर फैलने दें तो बड़े मनमोहक लगेंगे। ये कटिंग और सीड्स दोनों से ही लगते हैं। पेंटास या स्टार क्लस्टर। ये बहुत खूबसूरत फूल हैं जो आपको कई रंगों में मिलेंगे। सफ़ेद, गुलाबी, लाल, लेवेंडर आदि इनके आम से रंग हैं। और भी कई रंग में आपको मिल सकते हैं। छोटे आकार के खुशबू वाले ये फूल बहुत बड़े बड़े गुच्छों में खिलते हैं। इनकी खूबसूरती आपके घर में खूबसूरत तितलियों को भी बुलाती है। आकार पौधों का ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, आप गमले में भी लगा सकते हैं। इनको छोटे छोटे काले बीजों से या कटिंग से दोनों ही तरीके से लगाया जा सकता है। स्वर्णगुच्छ या कोरियोप्सिस। यह फूल इंग्लिश गेंदा के नाम से भी जाने जाते हैं। फूलों का रंग आमतौर पर पीला या नारंगी होता है। फूलों के साथ पतले पतले जालीनुमा पत्ते भी आकर्षक लगते हैं। फूल ढेर सारे खिलते हैं और देखने में छोटे सूरजमुखी जैसे दिखते हैं। इनका चटक रंग बहुत आकर्षक होता है। फूल कई बार दो रंगों के भी मिल सकते हैं। इन्हें बीजों से उगाया जाता है तो आप अब देर ना करें, जल्दी से इनके बीज लगा लें। रुएलिया या चटकनी। इन्हें वाइल्ड पिटूनिया भी कहा जाता है। यह फूल सफ़ेद, नीले या बैंगनी रंग के होते हैं। इनके फूल ट्यूब सेपेट होते हैं और आकार में तकरीबन 5 सेंटीमीटर के होते हैं। यह बहुत भारी मात्रा में खिलते हैं और बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं। बेहतरीन ग्राउंड कवर का काम भी करते हैं। आप इन्हें भी बीज से उगा सकते हैं। भूत केसी या येरो। इनका बोटैनिकल नाम एसीलिया मेलिफोलियम है। यह फूल अनेक रंगों में आपको मिल जाएंगे, लाल, गुलाबी, नीला, पीला, बैंगनी या सफ़ेद। जो चाहे आप चुन लें, रंगों की यहाँ भरमार है। भारत में इसे भूत केसी के नाम से हर्बल दवा के रूप में जाना और उगाया जाता है, पर यह देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और बड़े बड़े गुच्छों में खिलते हैं। आप भी इन्हें अपने घर आंगन को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह फूल भी बीजों से ही उगते हैं। प्याज या अनियन, इनका बोटैनिकल नाम एलियम है। जी हाँ, चौंकिए मत, बहुत खूबसूरत सफेद, नीले या बैंगनी गुलाबी रंग के इनके फूल होते हैं। प्याज की किस्मों के अनुसार फूलों के रंग बदल जाते हैं। प्याज अब सिर्फ खाने नहीं, दिखाने के लिए भी लगाइए। फूलों वाले प्याज के कंद थोड़े छोटे होते हैं। यह फूल खिलने के बाद लंबे समय तक रहते हैं। इनके फूल ही नहीं, बीज भी खूबसूरत दिखते हैं। इन्हें बीजों से लगाया जाता है। पहले बीज से पौधे उगाते हैं, फिर जब पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं, तो इन्हें उखाड़कर अलग अलग लगाना पड़ता है, तभी अच्छे फूल खिलते हैं। चंगेरी या ऑक्सैलिस, यह पूरी दुनिया में उगते हैं। इसे भारत में तीन पतिया घास या खट्टी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। फूल सफ़ेद, गुलाबी या पीले रंग के होते हैं। इन्हें ग्राउंड कवर के तौर पर लगाया जाता है। लाइव मल्चिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। किस्मों के अनुसार कुछ चांगेरी की पत्ती हरी, तो कुछ की गहरे मरून रंग की और कुछ की दो रंगों वाली या बैंगनी रंग की भी होती है। हैंगिंग पॉट में यह बड़े खूबसूरत दिखते हैं। फास्ट ग्रोइंग और लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। इन्हें बीजों से उगाया जाता है। एक बार लगा देने से हर साल ये खुद ही उगाते हैं। पुनर्नवा या पर्सलेन, इन फूलों के बहुतेरे नाम हैं और उतने ही इनके रंग। आमतौर पर ये लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, सफ़ेद आदि रंगों के होते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, ये पोर्टालुका या संजीवनी बूटी नहीं है। हालांकि दोनों ही एक ही फैमिली से होते हैं, पर यह फूलों की एक अलग किस्म है और पूरी तरह से ईडिबल यानी खाने योग्य है। औषधीय गुणों के कारण कुल्फा साग बनाकर खाई जाती है। इनके फूल हमेशा ही सिंगल लेयर्ड होते हैं और पत्तियां थोड़ी गोलाई में मोटी होती हैं। कुल्फा या पर्सलेन को बीज और कटिंग दोनों से ही उगा सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह हर महीने लगने वाले पौधों की अग्रिम जानकारी लेकर आपके पास आते रहेंगे। आप बस हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहिए।